स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। आज है 7 मई और अभी करीब बज रहे हैं 1:30 और अभी मम्मी हमारे लिए गरम गरम रोटियां बना रही है। मैं नहा के भी आ चुका हूँ, जल्दी से आते हैं, खाना पीना खाते हैं और पापा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और न्यूज़ में बस यही आ रहा है कि कोरोना कितना तेज़ बढ़ रहा है, सेकेंड वेव जो है। तो आप लोग प्लीज़ सेफ्टी बरतिए, घर में रहिए, आराम करिए, खाइए पिए और बाहर मत ही जाइए जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो जाए आपको। और जो थर्ड वेव है वो बहुत खतरनाक आने वाला है, तो बच के रहिए घर में। आज मम्मी ने मेरा फेवरेट बनाया कटहल का सब्जी, थैंक यू मम्मी। अरे वाह। और यहाँ पे दीदी का ब्लॉग एडिट हो गया, वो चला रही थी मैं। तो अभी मम्मी मेरे लिए खाना परोस रही है, मम्मी जल्दी से खाना परोस दो, उसके बाद आप जाओ और मैं सब साफ सफाई कर दूंगा घर का। ओहो मेरे प्यारे बच्चे, आज चाय भी नहीं बनाई मैंने, सभी नहीं डाली। वाह, हाँ चाय के लिए भी कहा जाता है, आज मिस है हनी का चाय बनाना ब्लॉग में। सच्ची मैं कॉमेंट पर ही हूँ, लोगों को बड़ा मजा आता है चाय बनाने देखने में। है तू अच्छा बनाता ही है इसलिए। तो मम्मी क्या करती है, सुबह सुबह फोन करके सारे सब्जियां और फल मंगवा लेती हैं और यहाँ पे सब आ चुका है। ये करीब सुबह से ऐसे पड़ा हुआ है, मम्मी छोड़ दी है इसको, अब मम्मी इसको रख देगी फ्रिज में धो धो के। और मम्मी जाती है नाप तोड़ करने के लिए, पैसा ऊपर नीचे कर लो। और जब बिल आता है फिर मम्मी बोले बाप रे कितना बिल बना दिया ये, बहुत महंगा हो गया सब्जी। तो पापा क्या कर रहे हैं, पापा थोड़ा डाइटिंग पे आजकल वजन कम करने के लिए, तो पापा एक हफ्ते से करीब डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन पापा का वजन कम नहीं हुआ, 1 किलो बढ़ ही गया है। पापा परेशान है एकदम, हमारा वजन बढ़ नहीं रहा, पापा का बिना खाए बढ़ रहा है। वाह। तो मम्मी ने अभी अंगूर धो दिया है, मम्मी पापा को जाके खिलाएंगे अंगूर। प्रभु ओए मार दूंगी, प्रभु लीजिए आपके लिए और सनी तुम्हारे लिए। पापा को ऐसे खिलाओ ना ऐसे करके। दीदी के लिए रहने देना थोड़ा सा, ठीक है हनी तुम भी खा लो। पापा और कुछ लाए आपके लिए, पेप्सी पियेंगे? ना। पापा कुछ टेक्निक बताओ ना वेट बढ़ाने का, आपका तो ऐसे बढ़ रहा है वेट। बस खाते चलो। आप तो खा भी नहीं रहे थे भाई, कैसे बढ़ रहा है पापा का वेट पता ही नहीं चल रहा। देखियो सुबह से लगी हुई है। मम्मी मेरे को बोलते कि तुम बहुत स्लो स्लो एडिटिंग करते हो और ये कम से कम 2 दिन से लगी पड़ी है एक वीडियो एडिट करने में। मैं आजकल ना अपने आप को फालतू के चैलेंजेस दे रहा हूँ, तो अभी मेरा फिलहाल का चैलेंज है ये दीवार लेना, मेरे को कूद के टच करना है बस ये है। मैं 10-15 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, इतना सा बच जाता है बस। एक बार ट्राई करते हैं, ना हो पाएगा। तो अभी मम्मी हमारे लिए खरबूजा काटी है शाम में, लॉकडाउन में बस खा पी रहे हैं। देखो कितना प्यार, क्या बात है। दीदी भी आज कल एकदम फुल व्लॉगर हो गई है ये देखो। और अभी मम्मी हमारे लिए कुछ स्पेशल बना रही है। मम्मी क्या बना रहे हो अभी आप? कुछ नया बना रहे हैं। चना यार, हर बार मम्मी एक तो कुछ बताती नहीं हो फिर बोलती है कुछ सरप्राइज। ये क्या था, हमेशा कुछ सरप्राइज है, कुछ स्पेशल है, कुछ नया है। अरे तो उसी की बना रहे हैं पंजाबी। ओहो ओ फिटे मुँह तेरे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सबके लिए कुछ नाश्ता और पीछे हनी लगे हुए हैं अपने भक्ति भाव में और आज का सांझ बाती हनी दिखा रहे हैं हमारे प्रिय भाई। तो मैंने अभी सांझ बाती दिखा लिया भगवान को और अभी चल के पूछते हैं फाइनली मुझसे क्या बना रही हो मम्मी, प्लीज बता दो क्या बना रहे हो, ऐसा सस्पेंस मत रखो। नाम नहीं बता सकते क्योंकि खुद नहीं मालूम मेरे को। यही है मम्मी का बस, और देखो यूट्यूब से रेसिपी देखो, बस टाइटल मत पढ़ना। हाँ ये भी गड़बड़ है, रेसिपी देख ली थी मम्मी और टाइटल ही नहीं पढ़ती थोड़ा सा। तो ये जो भी कुछ बन रहा है वो कुछ पराठे की तरह मेरे को लग रहा है ऐसा, जो कि दीदी ही बना रही है आज। कुछ नहीं जाएगा, इसमें दही ले ले, चटनी ले ले, जा जा उठ। दोनों भाई भाई एक साथ खाना खा रहे हैं, वाह 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 वा। और ये 4 खा गया हनी, तू कितना खाया? एक ये क्या, अभी पार्सल लेने दोबारा जा रहा हूं। ओहो हो 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 हो, बहुत रोटी है वो भी, पार्सल दो पार्सल। बाप रे यार मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा मैं 4 खा गया। तो खाते जा खाते जा खाते जा खाते जा, कहां जाएगा इतना तेरा मालूम है तुम्हें। बताऊं सनी क्या हो गया, सुबह से भूखा है ये, रूठा हुआ है ना मेरे से एक तो मम्मी। तो ये दोपहर में सिर्फ फ्रूट खा के है अब तक, घटिया घटिया सब्जी बना देगी। वैसे सब्जी को घटिया नहीं बोल सकते, जिसको पसंद है तो उसको अच्छा लगता है। वो सब्जी अच्छा नहीं होता, बाप रे मुझे तो कभी नहीं खिलाया मैं ऐसे आपने। अच्छा तेरे को भी खिलाऊं? मैंने खा लिया, पेट भर गया मेरा। अब छोड़ो यार अब बात ही नहीं करनी। आप एक्सरसाइज करिए आधा घंटा, फिर 1-1.5 घंटे के बाद मिलेगा आपको मैंगो जूस। पापा चलो एक्सरसाइज करो, बहुत मोटा गए हो आप लॉकडाउन में। देखो ना एक्सरसाइज करना चाहिए ना। पापा बैठ के गए, खड़े हो यहाँ पे एक्सरसाइज करो, वो बहुत मोटा गए आप एकदम। अरे खड़े होइए होइए हो जाइए, चलिए चालू हो जाइए। अटेंशन स्टैंड इट इज
पापा को जीना चढ़ाओ तब आओ। चलिए चार बार से दो बार बोलो। आठ मंजिल से दो बार नीचे ऊपर बस। दे, 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 दे। बस दो बार प्रभु दो बार। कोशिश जारी रखिए हो जाएगा। मम्मी आप करो ना, आप अभी करो ना, आप मुझे फुला रहे हो। देखो मेरा किचन फैला हुआ है ना, मैं ये ठीक करके कर लूँ। अगर लॉकडाउन नहीं खुला ना थोड़ी दिन में तो मैं ऋषभ से ऋषिका बन जाऊंगा। मेरा बाल इतना जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है एकदम। हमारा तो बात माना नहीं, बात मान लिया होता तो बाल अभी नहीं बड़ा हुआ होता ना। मम्मी ने ना एक दिन पहले ही बोला था कि बाल कटवा दो अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया और अगले दिन लॉकडाउन पड़ गया। लॉकडाउन हुआ था अगले दिन से। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो दीदी अभी लाइव अपने फेसबुक पेज पे और मम्मी हमारे लिए बना रही है मैंगो शेक, जिसके लिए मम्मी तैयारी शुरू कर दी है और मैं बर्फ निकालता हूँ जल्दी से। अभी फिलहाल हम जो बर्फ है ना कटोरी में ही जमा रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रे है वो पिछले वाले घर पे छूटा हुआ है और हम लाना भूल गए यहाँ पे। तो अभी ऐसे ही काम चला रहे हैं, बढ़िया काम चलता है। तो ये आरओ वाला पानी है, कोई ये मत सोचिएगा टोटे के पानी से बर्फ धो दिया। तो ये रहे मम्मी ने आम काट दिए, अब बस जल्दी से मिक्सी चलेगा और शेक बन जाएगा। अरे भाईजान क्या हुआ ध्यान से। तो अभी दीदी और सनी में लड़ाई हो गया है। भाईजान क्या हुआ ध्यान से, आज तू ऐसे क्यों कर रहा मेरा बच्चा। तो ये रहा हमारा मैंगो शेक पीसने के लिए तैयार। ये रहा ऋषभ। ऋषभ क्या कर रहा है ऋषभ? ओए रहने दो, आप रहने दो। क्या वो देखो शौक में चला गया। ये रहा हमारा छोटा बेटा सनी, जो आज बहुत नाराज है मेरे से। यस बहुत ज्यादा। यस यस, मेरे को जब तक कुत्ता नहीं पालोगे ना तब तक मैं ऐसे नाराज रहूंगा। इजी इजी टॉम, इजी इजी। तो मैंगो शेक हमारा तैयार हो चुका है, ये लो मम्मी परोस दो इसको। ये देखो सनी पूरा गंदा करके गया। मारो उसको कभी। अरे वो बहुत प्यारा बच्चा है ना। ओवर एक्टिंग नहीं करना ब्लॉग में। आज मेरे से नाराज हो गया है वो। छोड़ो ना, चलिए मैंगो शेक पीते हैं। पापा एकदम फुल ऑन डाइट कर रहे हैं आजकल है ना। आइसक्रीम ले लिए हैं? हां। आप लिए कभी हैं आप जैसे बोलते रहते हो। तो अभी सब अपना अपना जगह पकड़ के सो चुके हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खत्म, टाटा बाय बाय। ब्लॉग को खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय।